हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोनिका मानेकर। सो गाइस, आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी वीडियोस पर, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक चैलेंज। हाँ गाइस, आप लोगों ने ठीक सुना, तो ये एक चैलेंज है। एंड आई हैव दिस, सो दिस इज किड्स क्ले एंड ये एक मॉडलिंग क्ले है। और मैंने आज तक, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में, मैंने मोल्डेड क्ले यूज़ किया है, मैंने पॉलीमर क्ले यूज़ किया है एंड इवन वी हैव ट्राइड सुपर क्ले। तो मॉडलिंग क्ले मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। मुझे जितना याद है शायद मैंने बचपन में यूज़ किया था जब मैं केजी में थी। सो आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैंने कोई क्ले देखा था अपनी पूरी लाइफ में। आई डोंट नो हाउ आई रिमेंबर दिस, मैं 3 साल की थी, आई वॉज इन नर्सरी एंड मैंने पहली बार, एक एक्टिविटी रूम होता था वहाँ पर स्कूल में, और मैं वहाँ पर बैठी हुई थी लंच ब्रेक में खाना खाने के बाद। तो मुझे प्लेग्राउंड में खेलने का शायद थिंक उस दिन मन नहीं था, या मैंने थोड़ा बहुत खेला था। एंड मैं देख रही थी कि जो सीनियर्स थे हमारे, जो लोअर किंडरगार्टन के थे एंड अपर किंडरगार्टन के बच्चे थे, वो लोगों के साथ बैठकर हमारी जो मैम थी वो उन्हें क्ले से कुछ बना के दिखा रही थी कि ये किस तरीके से फोल्ड होता है एंड क्या क्या बना सकते हैं हम लोग इससे। तो वो मेरा पहली बार था कोई क्ले को इतने पास से देखना। आई स्टिल रिमेम्बर, इतना बड़ा सा एक टेबल था और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे। मैम हमारी इस साइड पे बैठी थी, लेफ्ट साइड पे, और वो हमें बता रही थी कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी देख के कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि 3 साल की बच्ची के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड वो क्ले को देखते ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। एंड आई थिंक बचपन में उतना ज़्यादा तो मैंने क्ले यूज़ नहीं किया है, लेकिन थोड़े टाइम से मैं क्ले बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग देख रहे हो कि चैनल पे कितने सारे क्ले के वीडियोज़ आ रहे हैं। एंड मैंने केक बनाया था क्ले के साथ, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील डाली थी। सो इस बार हम लोग ये किड्स क्ले यूज़ करके कुछ बनाएंगे। तो ये मॉडलिंग क्ले है, तो इस पर लिखा हुआ है इट नेवर ड्राइज, इट नेवर हार्डन्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे क्ले जो है टाइम के साथ एयर ड्राई हो जाते हैं या फिर हमें से बेक करना पड़ता है। तो देखते हैं इससे हम लोग क्या करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा बना ही लेंगे आई गेस। तो मैं पहले ये बॉक्स खोलती हूँ। अरे बहुत ज़्यादा हैवी है गाइस। तो ये जो है हमारे सारे क्लेज है, तो ये इतने सारे कलर्स हमें मिलेंगे। तो इसमें हमें फ्लोरोसेंट कलर्स भी मिल रहे हैं एंड नॉर्मल कलर्स भी मिल रहे हैं गाइस, एंड वी ऑल्सो हैव मोल्ड्स। तो यहाँ पर मेरे पास 3 मोल्ड्स हैं, आप लोग देख सकते हो। एंड मैं सच बताऊँ, मुझे सबसे अच्छा ना ये बकेट लगा, इट्स सो क्यूट। और जब ये क्लेज यूज़ कर लेंगे हम लोग, इसके अंदर भी कुछ रख सकते हैं। हम इसे पेन स्टैंड जैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो ये तो बेसिकली किड्स क्ले है 3 साल और ऊपर के लिए, बट हम लोग इससे कुछ बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए एंड व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट दिस। तो ये है हमारा मॉडलिंग क्ले का बकेट जो ट्रांसपेरेंट है, और इसकी लिड जो है ट्रांसलूसेंट है ग्रीन कलर की, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लोरोसेंट कलर का है। और इसके अंदर आ गए हैं हमारे सारे क्लेस। सो वी हैव टोटल 8 कलर्स क्लेस। और ये है हमारे मोल्ड्स जो है सर्कल, ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल एंड पेंटागन शेप के। तो इन सारे चीज़ों को यूज़ करके हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। और मैं अभी सीजर से कट कर रही हूँ उस पैक को। हमारे सारे क्लेस को हम लोग बाहर निकालेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे और फिर बनाएंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर है ऑरेंज, ब्राउन एंड ब्लैक। तो इसकी क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये आ गए हमारे पूरे क्लेस। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ येलो क्ले एंड ऑरेंज क्ले, और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ टू गेट अ प्रॉपर टर्मरिक येलो। और मैं आपको अभी बताऊँगी कि मैंने ये कलर क्यों चूज़ किया है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक लायन, और मैंने 2 गोले बना लिए हैं, और मैं
इसके लेग्स भी कट करके रख दिया है अभी। तो ये है लायन की बॉडी। इसके हेड को जो है मैं ऊपर अटैच कर रही हूँ और अभी मैं लगा रही हूँ इसके लेग। तो ये लायन जो है एक सिटिंग पोजीशन में है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके लेग्स ऐसे ही लगा दूँगी। और दोनों लेग्स लग चुके हैं, अभी मैं अटैच कर रही हूँ इसके हाथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जब भी शेप दे रहे हो, यू हैव टू शेप इट विथ योर हैंड ओनली, क्योंकि जब भी शेप देते हो तो आप लोगों को अपने हाथों से ही समझ में आएगा कि आपको कैसे शेप देना है। और जो डिटेलिंग्स है वो आप टूल्स यूज़ करके कर सकते हो। और लेग को मैं ठीक तरीके से रख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये करेक्ट पोस्चर में है या नहीं। और इसके हेड को भी मैं फिक्स कर रही हूँ ठीक से। और इसके बाद मैं बना रही हूँ हमारे लायन के ईयर्स। तो ईयर्स भी है कुछ इसी तरीके के शेप में होंगे, सो इट वुड बी लाइक सेमी सर्कल। एंड दूसरा ईयर भी बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। और अपने हेड को जो है वो अच्छी तरीके से शेप दे रही हूँ मैं। तो लग गया है हमारा दूसरा ईयर। तो अभी तक हमारा लायन कुछ ऐसा दिख रहा है। और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ये टूल और मैं बना रही हूँ हमारे लायन के लेग्स के टोस। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है। और ये क्ले जो है थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है कंपेयर टू पॉलीमर क्ले एंड मोल्डेड क्ले। सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर, अगर आप लोगों को फिर से ट्राई करना है तो आप इस तरीके से हाथ से प्रेस करके वापस शेप दे सकते हो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ लायन के पॉस। ये करते वक्त ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस। अब तक कैसा लग रहा है हमारा लायन। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हमारे लायन की टेल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना लायन के बाल, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये लायन का मुंह। और मैं सोच रही हूँ कि इसका नोज़ कैसे बनाऊँ, मतलब मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो आई थिंक आई विल चेंज दैट। व्हाट डू यू थिंक गाइस, वी नीड टू चेंज इट? या तो मैंने छोटा सा कर दिया है। और ये है हमारे, आई डोंट नो व्हाई कि क्यों इतना ज़्यादा गिरते जा रहा था मेरे हाथ से। और ये मैंने इसके आईज बना दिए हैं। आई थिंक मुंह को भी मैं ब्लैक कलर से ही बना दूंगी कि ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये ऑरेंज कलर से मैं कुछ डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ इसके कानों पर। तो अभी तक हमारा लायन कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर मैं इसके आँखों को वाइट कलर से लगा रही हूँ। और ये सबसे मेन है इसके बाल जो मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हैं। और मुंह को भी मैंने ब्लैक क्ले से लगा दिया है। और ये है हमारी लायन की टेल। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पर इसे अटैच कर रही हूँ इस टूल को यूज़ करके। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे एक बार मैं प्रेस कर रही हूँ अच्छी तरीके से और शेप दे दे रही हूँ डिटेलिंग्स के साथ। और आईज के पास भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स ऐड कर रहे हैं टूल्स को यूज़ करते हुए। और इसी के साथ कंप्लीट हो गया है हमारा प्यारा लायन। तो आप लोग बताना इसका नाम क्या रखें, व्हाट डू यू थिंक गाइस? तो इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है, मैंने सोचा ही नहीं कि हम लोग इतना क्यूट इतना कूल लायन बना देंगे इस क्ले के साथ। तो ये तो एक पार्ट वन ही था गाइस। आने वाले टाइम में हम लोग और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें बनाएंगे। सो गाइस, हम लोगों ने ये बनाया है एक प्यारा सा क्यूट सा लायन, तो आप लोग देख सकते हो। और मैं इसका नाम रख रही हूँ सिम्बा, बिकॉज सिम्बा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और हमने इसे खुद मॉडलिंग क्ले से बनाया है। एक्चुअली मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज क्या होगा, मैं क्या करूँगी।
मॉडलिंग क्ले से, क्योंकि मॉडलिंग क्ले जो है वो ड्राई भी नहीं होता है और मुझे लग रहा था कि पता नहीं ठीक से मोल्ड हो पाएगा या नहीं, हम लोग क्या करेंगे इससे। और ये लायन आया मेरे दिमाग में और मैंने ये बनाया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसकी जो आइस है ये इतनी प्यारी है, एंड इसके बाल एंड ऑल्सो ये पूछ। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से बहुत सारी अमेजिंग आर्ट वीडियोज लाती रहती हूँ। सो सिम्बा सेज टू लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो देखनी है तो इस लेफ्ट में आप क्लिक कर सकते हो, एंड बाय बाय।